बाजार की कीमत सबसे बड़ी चर्चा। देश की दिशा और दशा। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। बड़ी खबर, गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का क्या है रिजन, यह जानने के लिए हमारी चाय की चौपाल की टीम पहुंची भंडारा। देखते हैं चाय की चौपाल की टीम की खबर। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। हम यहाँ पे साकोली के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं। हमारी चाय की चौपाल की पूरी टीम जो पहुंची है वो सड़क पर पहुंची है। चुनाव के मद्देनजर गोंदिया और भंडारा के उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाएं जानने के लिए सड़क पर पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। हम देखते हैं कि इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपने उम्मीदवारों किस तरह देखते हैं। हाँ सर, बोलिए। लोकसभा चुनाव है, 11 तारीख को वोटिंग करेंगे। बिल्कुल करेंगे मैम। किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए? किसी भी राजनीतिक पक्ष का पक्ष नहीं ले रहे हम, सिर्फ एक उम्मीदवार के बारे में आपकी कंसेप्ट कैसी? उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों की सेवा करे, उनके हर दर्द में शामिल हो और आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए देश की सेवा करे। देश की सेवा करे। तो अभी 11 तारीख के चुनाव के बाद आपको क्या लगता है, कौन सी सरकार का परचम लहराएगा? जो आज गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी, वही आज अगले आने वाले चुनाव में राज करेगी। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस का भी तो क्या है, महागठबंधन होने की वजह से सब जिधर उधर देखोगे तो सब फूट फाट का ही जमाना है। देश को संभाल सके। धन्यवाद। तारीख को आप वोटिंग करेंगे? किस तरह का उम्मीदवार देखते हैं? जीत में आप किस तरह के उम्मीदवार को देखते हैं? एक क्या ओपिनियन क्या है आपका एक उम्मीदवार को लेकर? तो किसकी सरकार? ठीक है, थैंक यू सो मच। लोकसभा के चुनाव है अभी 11 तारीख को, आप वोट करेंगे? जी हां करेंगे। किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए? उम्मीदवार तो काम करने वाला होना और ईमानदार होना। तो किसकी सरकार? सरकार तो मोदी जी, काम अच्छे कर रहे हैं। कांग्रेस की क्यों नहीं? कांग्रेस की राष्ट्रवादी कांग्रेस जी मौका बराबरी में होना चाहिए। धन्यवाद सर। किस तरह देखते हैं, वोटिंग करेंगे? हाँ, वोटिंग करेंगे। किस तरह का उम्मीदवार चाहिए? उम्मीदवार बोले तो अभी जो कुछ कर रहा है आम आदमी, हम लोग को जो कर रहा है वो मोदी कर रहा है जी। तो किसकी सरकार? वही मोदी जी की सरकार। धन्यवाद। 11 तारीख को चुनाव है मैम लोकसभा के, इसमें हमारे गोंदिया भंडारा जिले से उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी की ओर से। तो किस तरह का उम्मीदवार आप देखते हैं, एक उम्मीदवार की छवि किस तरह की होनी चाहिए? किसी भी पक्ष को हम हम सपोर्ट नहीं कर रहे किसी भी पक्ष को, तो हमारी एक कंसेप्ट होती है कि मतदाता क्या सोचकर वोट करे। मतदाता इसलिए सपोर्ट करेगी कि जैसे मैं बोलूंगी तो आज तक बीजेपी या कांग्रेस कोई भी महिला उम्मीदवार अभी तक खड़ी नहीं की, लेकिन बहन जी मायावती जी ने एक महाराष्ट्र में महिला उम्मीदवार डॉक्टर विजयाताई नंदुरकर इनको भंडारा लोकसभा की सीट देकर महिला की हिम्मत ताकत बढ़ाए। तो मैं ये चाहूँगी कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से ताई को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुन के देना चाहिए, नए उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए जी। धन्यवाद मैम। 11 तारीख को चुनाव है सर, वोटिंग करेंगे? यस। किस तरह के उम्मीदवार की छवि है आपके नजर में? कोई अच्छा हो, अच्छा लेके चले जैसे अभी है जी, वैसे मिले ले थी जी। विकास के नाम पर किस तरह का होना चाहिए हमारा उम्मीदवार? अच्छा ही होना। तो किसकी सरकार रहेगी, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? देखो अभी तो मोदी की उम्मीद कम है। कम है क्यों? जी धन्यवाद। पहली बार वोट करने वाले हो? जी नहीं, मैं दूसरी बार। दूसरी बार वोट करने वाले हो तो स्वाभाविक सी बात है सोच समझ के वोट करोगे। क्या सोचते हो सरकार को, नई पीढ़ी हो आप,
तो आपको क्या लगता है आपके लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए और उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? उम्मीदवार जैसे कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी मोदी होना चाहिए। क्यों मोदी होना चाहिए? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास होने के लिए मोदी जी जरूरी है। मोदी जी जरूरी। तो अभी जो पहली बार वोट करने वाले हैं युवक, नए युवक, उसमें लड़कियां और लड़के दोनों आ गए जो 18 साल से होंगे अभी, जिन्होंने जो बालिग हुए, उन लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहोगे कि उन लोगों ने किस तरह से वोट करना चाहिए, क्या सोच कर वोट करना चाहिए? देखो, अगर राष्ट्र की ताकत बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाना होगा। नरेंद्र मोदी ऐसे कि वो अपने मजबूतियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जगत बना रहे हैं भारत की। हाँ जी, उनके लिए नरेंद्र मोदी को आपकी बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। धन्यवाद। हमने यहाँ पे सड़क में लोगों के उम्मीदवार को लेकर, लोगों के मत जानने की कोशिश की, लोगों की आंतरिक इच्छाएं जानने की कोशिश की, लोगों का कहना है कुछ लोग बीएसपी कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है मोदी सरकार, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस। अब आने वाली 11 तारीख तय करेगी कि कौन किसका परचम लहराएगा गोंदिया और भंडारा लोकसभा चुनाव में। आगे की खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव। धन्यवाद। क्या है लोकसभा क्षेत्र के जनता का हाल, किस करवट बैठेगा, इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।